बाबा कोई गीता पाठशाला में युगल जोड़ी मिलकर के पाठशाला चला रहा है, बीच में एक युगल को एक को शरीर छूट गया तो उसमें कैसे होकर फिर चलेगा कि क्या होगा कैसे? तो दूसरे युगल को निमित्त बनाओ, कोई दूसरा युगल भी तो होगा, मतलब वहाँ तो नहीं रहता है, उनको उमंग उत्साह बढ़ाओ। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का, क्या लक्ष्य है? प्रवृत्ति मार्ग का लक्ष्य है या निवृत्ति मार्ग का लक्ष्य है? तो प्रैक्टिकल में प्रवृत्ति होनी चाहिए पढ़ाने वालों की भी, युगल ही चाहिए। मतलब वहाँ तो नहीं रहेगा? नहीं, हाँ तब तक रहेगा जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं निकलता है या कोई होशियार विधवा माता हो उसके घर में भी चल सकता है। और जन्म भी होता है और बड़ी मम्मी को तीन जन्म के बारे में कुछ मुझे ये तो कुछ बताया नहीं कि बड़ी मम्मी का तीन जन्म होता है, बाकी दो जन्म तो होता है ये तो पक्का है। मतलब हिसाब करने से बीच का जन्म नहीं निकलता है? हिसाब करने से बीच का जन्म नहीं निकलता है ना? बीच का जन्म नहीं निकलता है, आदि का देखा पड़ता है और लास्ट का देखा पड़ता है, बीच में दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, हिसाब लगाने से ये निकलता है। तो बीच का जन्म कहाँ कैसे पाठ बजाया होगा? कैसे पाठ बजाया होगा? कुछ न कुछ हिसाब किताब होगा कन्वर्शन का, तो हिसाब किताब बजा वो पाठ भी चलता है। जगदम्बा है ना, सिर्फ सूर्यवंशी ब्राह्मणों की अंबा है या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस की सबकी अंबा है? तो सबकी अंबा है तो सब तरह के आत्माओं के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं, तो पाठ बजाती है। उसके लिए तीन जन्म भी हो सकते हैं। और पीयू का बाणी है ना, ये कब प्रत्यक्ष होगी? पीयू का बाणी, हाँ कब प्रत्यक्षता होगी? कब प्रत्यक्षता होगी? माना बाप की प्रत्यक्षता सन 76 में नहीं मनाई गई, तो तभी प्रत्यक्षता हुई ब्राह्मणों के लिए, तब प्रत्यक्षता हुई नंबर बार, और सारी दुनिया के लिए भी प्रत्यक्षता होनी है। सारी दुनिया के लिए प्रत्यक्षता तब होनी है जब ब्राह्मणों का कोई ग्रुप निकले जो ऐसा संपन्न पुरुषार्थ करके दिखावे। दादा जालंधर ने वृंदा को सत्य डराया ना, जालंधर ने वृंदा को सत्य सत्य डिगाया, सत्य सत्य डिगाया, जीवनी फेरी जालंधर को मारे थे। जालंधर ने वृंदा का सत्य डिगाया, जालंधर ने डिगाया या विष्णु ने डिगाया? विष्णु ने डिगाया है। तो वृंदा तो कोई दूसरी नहीं ना, तुलसी का दूसरा जन्म वृंदा का है। तुलसी किसका पार्ट है? जगदम्बा का पार्ट है। तो जगदम्बा ही फिर असुरों के चंबे में आ जाती है। जालंधर असुर था या देवता था? असुर था, तो असुर के चंबे में आ गई। बल उसके पवित्र रहने के संस्कार हैं, फिर भी संघ का रंग तो लगता है ना।
भगवान तो युग रमतु रमजबाज है, कोई न कोई युक्ति निकाल ही लेता है असुरों के चंबे से छुड़ाने की। तो ये की युक्ति निकाली और हाँ जी तुम बच्चे विश्वास कर ना सको। हाँ दूसरा तरफ अब देख हाँ बोलो तो मैं देख पा जा रही। आप क्या कहना चाहते हो नेपाली में बोल जाओ, क्या पूछना चाहते हैं वो बात नेपाली में बोल दो। उन्हें पूछ लेने दो। शंकर का बंदरपुर पाठ है, दूसरे तरफ शंकर का इतना पाठ नहीं है, यहाँ उनका इतना पाठ नहीं है। हाँ तो दो बातें हो गई, एक तो कहते हैं शंकर का कोई पाठ नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं शंकर का वंडरफुल पाठ है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्ट शरीर और शरीर की कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है, बिना कर्मेंद्रियों के बिना शरीर के पार्ट बजेगा क्या? बजेगा। तो शंकर का जो विशेष पार्ट है वो मन बुद्धि की याद का है या कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाने का है? वो योगबल से विश्व की बादशाही लेता है या कर्मेंद्रियों से पाठ बजा करके विश्व की बादशाही लेता है? याद से विश्व की बादशाही लेता है या भागदौड़ करके भाषण करके विश्व की बादशाही लेता है? याद से लेता है। इसलिए बोला कि पाठ तो कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है और शंकर को तो याद में बैठे हुए दिखाते हैं, मोस्टली पार्ट बजाते हुए तो दिखाते नहीं। और जो पार्ट थोड़ा बहुत है भी वो निराकारी स्टेज का है, तो आत्मिक स्टेज में रह करके जो कार्य किए जाते हैं, जैसे देवताएं आत्मिक स्टेज में रह करके काम करते हैं, तो उसका कोई हिसाब किताब बनता ही नहीं। इसलिए बोला कि शंकर का पार्ट नहीं है। बाकी ऐसे नहीं है कि शंकर है ही नहीं, शंकर तो है। अगर है नहीं तो दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां किसकी दिखाई दे रही हैं? कौन सा पाठधारी है जिसकी दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां हैं? शंकर की मूर्तियां हैं। ये कहां से आ गई? अगर शंकर पाठधारी नहीं हुआ तो मूर्तियां कहां से आ गई और उनके मंदिर कहां से आ गए? पूजा सबसे जास्ती शंकर की क्यों दिखाई जाती है? फिर और देवताओं के बीच में उनको महादेव क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि याद मुख्य सब्जेक्ट है। याद में कोई पास है 100% तो पास ही कहा जाएगा, और सब्जेक्ट में अगर कोई पास है सेवा में ज्ञान में धारणा में पास है लेकिन याद में फेल है तो फेल कहा जाएगा या पास कहा जाएगा? फेल कहा जाएगा। और बाबा कहते कि शंकर द्वारा विनाश कराता है ना, क्या जिस द्वारा विनाश कराते हैं बाबा पाप याद में रहकर जो कर्म किए जाते हैं, आत्मिक स्थिति में रहकर जो कर्म किए जाएंगे और देहभान में रहकर जो कर्म किए जाएंगे तो हिसाब किताब कौन सी स्थिति का बनेगा? देहभान में रहकर कर्म करने का बनेगा
या आत्माभिमानी रह करके बनने के हिसाब किताब बनेगा? देवताएं आत्माभिमान में रहते हैं तो उनका कोई हिसाब किताब बनता है? नहीं बनता। तो ऐसे ही 100% आत्मिक स्टेज में रह करके जो कर्म किए जाते हैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं बनता। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्यों की बनाई हुई गीता में भी ये बात आ गई है, ये सार की बात है कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या भी कर दे तो भी उस पर कोई पाप नहीं लगता। अब 100% आत्मनिष्ठ तो एक ही बनता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो तो शंकर ही है, शिव शंकर कहा जाता है। बाकी 33 करोड़ देवताओं में से तो किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता है। और जिसकी बुद्धि बाबा घुमा देते हैं, जिसकी बुद्धि घुमा देते बाबा विनाश करने के लिए, बाबा घुमा देते हैं, माना बाबा शंकर के द्वारा घुमा देते हैं, बाबा शंकर के द्वारा किसी की बुद्धि घुमा देते विनाश करने के लिए, जिसे बाबा शंकर की वो बम बनाया हुआ है। बुद्धि माया घुमाती है या बाबा घुमाते हैं? बाबा अच्छा काम कराएगा या दुखदाई काम कराएगा? बाबा सुख का सागर है या दुख का सागर है? तो सुख का सागर तो सुख के लिए ही बुद्धि घुमाएगा। हमारी बुद्धि ज्ञान दे करके घुमा देता है तो हम सुखदाई देवता बन जाते हैं। शंकर द्वारा टच हो जाता है ना, बम बनाने के लिए है? शंकर के द्वारा वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट होते हैं उनको टच मिलता है ना? हाँ हाँ, वो तो बाबा ने बोला ज्यादा परेशान करेंगे, ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। बुद्धि घुमाएगा फिर बाबा, जो जिसके द्वारा बाबा विनाश कराएगा फिर उसको पाप पुण्य के भागीदारी वो नहीं बनेगा बाबा? जो पावन बनने ही नहीं है उनको इस सृष्टि में रखने से फायदा है, तो फिर अगर वो इस सृष्टि पर बने रहेंगे तो नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, नई दुनिया की प्रत्यक्षता हो जाएगी। इसलिए विनाश भी कल्याणकारी है। और माना वो भागीदारी तो बनेगा ना बाबा? पाप का भागीदारी बनेगा। अरे विनाश कल्याणकारी है या पापकारी है? तो पुण्य बनेगा कि पावन वो पाप बनेगा? नहीं बनेगा है, पुण्य बनेगा। पुण्य बनेगा फिर उत बाबा निराकार स्टेज में नहीं रहते हैं ना? फिर कौन जो बाबा जो बम बनाया है उसका बुद्धि घुमाएगा? देवान में रहते हैं ना, इसी का तो उनको खमाजा मिलता है। देवान रहते हैं फिर उसके द्वारा बाबा बुद्धि घुमाते थे फिर वो अनकार कर दे गया था फिर उसको पाप नहीं चढ़ेगा? किसको पाप चढ़ेगा? जैसे कोई बनाए बनाए बम है बाबा शंकर के द्वारा। जब बम बनाए हैं तो किस लिए बनाए हैं, कारण क्या है? तो जिस दुनिया का विनाश होगा उसमें बनाने वालों का विनाश नहीं होगा? तो फिर तो पाप उन्होंने खुद पैदा किया अपने लिए या शंकर ने पैदा किया? तो शंकर भी थी पाप का भागीदार होगा है? तो शंकर भी थी पाप का भागीदार होगा। क्यों पाप का भागीदार होगा? शंकर के द्वारा जो भी एटमिक एनर्जी तैयार होती है वो बेहद की तैयार होती है या हद की तैयार होती है? है? बेहद के बम्ब बनाता है या हद के बम्ब बनाता है? बेहद के ज्ञान बम्ब बनाता है। बाबा अंतर्यामी है कि नहीं बाबा? है अंतर्यामी एक शिव बाबा है,
न ब्रह्मा अंतर्यामी है, न विष्णु अंतर्यामी है, न शंकर अंतर्यामी है। 33 करोड़ देवताओं में कोई भी अंतर्यामी नहीं है। बाकी जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं उसको सारी स्थिति का पता चले, इसलिए पोता मिल देने का हिसाब किताब बनाया हुआ है। नहीं तो पोता मिल देने की भी क्या दरकार जब अंतर्यामी है। तो अंतर्यामी शिव है, निराकार है या साकार है? निराकार है। फिर साकार को कैसे पता चले? फिर बाबा वो जो ब्रह्म बाबा जाकर दादी गुजा के तन से बोलते हैं ना, उसको पता तो पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे है? जैसे दादी गुजा के तन में जाकर ब्रह्म बाबा तब बोलते हैं ना, जैसे बच्चे ऐसे होता है वैसे होता है, तो उसको मालूम कैसे पड़ता है बाबा? किसको? ब्रह्म बाबा को। ब्रह्म बाबा को कहाँ मालूम पड़ता है? गुलजार के तन में जाके बोलते हैं तो क्या जिसको पोता मेल मिलता है साकार में उसके तन में प्रवेश नहीं करते? फिर आदर से वो बोलते साकार। और क्या बोलेंगे, कहाँ से बोलेंगे? ऐसे ऐसे सोच रहा था कि वो दादी ब्रह्मा सब देखते इसके आदर से जाकर दादी गुलजार से बोलते हैं। हाँ हाँ, उनको स्थूल शरीर ही तो खत्म हुआ है, लेकिन कोई दूसरे के स्थूल शरीर में प्रवेश तो करते हैं। प्रवेश करते हैं तो उनकी निराकारी स्टेज बनती है, तो निराकारी स्टेज बनती है तभी तो प्रवेश होता है। देवान में आते हैं तो गुलजार दादी में आता है। और बाबा निराकार शिव बाबा अंतरयामी है, दिलाराम कहते हैं ना भक्ति मार्ग में। हाँ, दिल को आराम देने वाला। हाँ दिलाराम कहते हैं। हाँ दिल को आराम देने वाला कहते हैं। तो दिल माने मन, मन है आत्मा निराकार है या साकार है? है आत्मा निराकार। आत्मा निराकार है, आत्मा को ही मन कहा जाता है। कृष्ण परिणामी भी होते हैं, कृष्ण परिणामी होते हैं ना, है? वो प्रणाम बोलते हैं, इसका भी अर्थ है। प्रणाम बोलते हैं। हाँ इसका भी अर्थ है। उसको कृष्ण को भगवान मानते हैं, इसलिए कृष्ण को ही प्रणाम करते हैं। उनकी बुद्धि में ये थोड़ा ही है कि कृष्ण भगवान नहीं है, भगवान कोई और है। प्रणाम का मतलब ही है प्रमाणे प्रकृष्ट रूप, और नम माने नमन करना। प्रकृष्ट रूप से किसको नमन करते हैं? कृष्ण को। उसको भगवान मानते हैं तो उसको नमन करते हैं। नमन करना माने बुद्धि झुकाना, सर झुकाना। सर के अंदर ही तो बुद्धि है। तो कृष्ण के प्रति वो अपने को अर्पण करते हैं मन बुद्धि से, बाकी कृष्ण तो भगवान है ही नहीं, इसलिए नमन किसको करना है? शिव को। लेकिन शिव तो साकार नहीं है, झुका जाएगा तो साकार के सामने झुका जाएगा या बिंदी के सामने झुका जाएगा? साकार के सामने झुकेंगे। तो बिंदी भी कोई साकार में प्रवेश करके भगवान के रूप में पार्ट बजाती है, ऐसा पार्ट बजाती है जो संसार में और कोई भी नहीं बजा सकता, ऐसा महान पार्ट बजाती है। तो सारी दुनिया को झुकना पड़ता है, नमन करना पड़ता है। और कृष्णा के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई जाएगा, कि जब यशोदा महीना महीना माटो खाने कृष्णले माटो खाँदाखेरि कृष्णको मुखमा सारा ब्रह्मांड देखा, कृष्ण के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा यशोदा माता को। हाँ तो अभी माताओं को कृष्ण के मुख में से जो ज्ञान निकलता है उस ज्ञान के आधार पर सारा ब्रह्मांड दिखाई नहीं दे रहा है?
है, दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ब्रह्मांड की पहचान होती जाएगी। अष्टदेव में आने वाले आत्मा पक्का सूर्यवंशी से ही आठ आएंगे कि विजय माला से चार, रुद्र माला से चार मिलाकर आठ होंगे? आठ युगल होंगे, युगल मण के होंगे। विजय माला में ऊपर युगल मण का दिखाया जाता है ना, वो 109वां मण का है या 108 ही वाकई मणके होते हैं? माला में 108 मणके होते हैं या 109 होते हैं? है? और वो जो युगल ऊपर है वो गिनती में आएगा कि नहीं आएगा? अरे वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि 108 जो भी दाने हैं वो सब युगल मणके हैं। दो दो आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है 21 जन्मों के लिए, तो ये आठ भी जो विजय माला में जब पिरोए जाते हैं तो कैसे मणके बन जाते हैं? हैं? युगल मणके बन जाते हैं। समझ में आ गया? हाँ। है? युगल सिंह होगा बाबा द्वापर से। कोई का चेंज होगा, कोई का चेंज नहीं होगा। अष्टदेव में ऐसे होगा? अष्टदेव बाप के साथ ही रहते हैं जन्म जन्मांतर या विरोधी हो जाते हैं? साथ ही रहते हैं। साथ ही रहेंगे तो फिर जैसा बाप का पार्ट होगा वैसा उनका भी पार्ट होगा। पाँच दस साल का इसमें ऐसा करके हो गया तो सबसे कैसा करके हो गया, कैसे हो गया? अब उत्पत्ति ये हो गया 5000 साल की। अब हिस्ट्री में घूम जब जाएंगे तो फिर सत्य की स्थापना हो गया है? अब 5000 साल की अब हिस्ट्री में ऐसा हो गया। कैसा हो गया? पहले सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हो गया? क्या पूछ रहे हैं आप? नेपाली में बोल दो पहले। हिस्ट्री में मनुष्य का सृष्टि कैसे हो गया? मनुष्य की सृष्टि 4000 साल का हिस्ट्री में ये हो गया। क्या हो गया पहले? ये माने को क्या? ये माने क्या हो गया? अब द्वारा सृष्टि का उत्पत्ति भाई भाई छे तो 5000 साल के अब हिस्ट्री सकिए अब भू में छोपिं अब सतयुग को अब सृष्टि होने तो 5000 साल को भो ये फिर 5000 को 10000 को होता ये भैन तो सब भाग पैला मनुष्य को अब उत्पत्ति के गाँव भो मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो गई? माने इनको बर्फ में दबने का राज अभी पता नहीं चला है? नहीं पता तो है। योग बल वाली जो आत्माएं हैं उनका शरीर खत्म नहीं होता है, उनका शरीर बर्फ में दब जाता है, उनको शरीर में से आत्मा निकल जाती है। मनुष्य तो रहते हैं, मनुष्य खत्म नहीं हो जाते, और जानवर सब खत्म हो जाते हैं। कैसे उत्पत्ति हो गया? उनका कहना है मनुष्य सबसे पहला कैसे उत्पत्ति हो गया? सबसे पहली कोई आत्मा परमधाम से उतरेगी? उतरेगी या नहीं उतरेगी? वो तो 5000 साल की हिस्ट्री में हो गया बाबा जी। हाँ पहले का बात ड्रामा के हिसाब से हुबहू फिर रिपीट हो गया। रुक जाओ तुम कहाँ से आए हो? हैं? पोखरा से। अब कहाँ वापस जाओगे? जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है। दुनिया का एक एक कण का ये पार्ट है, एक एक आत्मा का ये पार्ट है कि जहां से आया है
और जहाँ जहाँ उसने पार्ट बजाया है वहीं पार्ट बजा करके साइकिल पूरा करके फिर वहीं पहुंचेगा। हर एक आत्मा में, हर एक अणु अणु में ये पार्ट भरा हुआ है, वो बदल नहीं सकता। ये सृष्टि की प्रकृति है, स्वभाव है, हूबहू रिपीटेशन, सारी सृष्टि का स्वभाव है। और इस बात को पुराने पुराने ऋषि महर्षि भी जानते थे, इसलिए गीता में लिख दिया है प्रकृते क्रियमाणाने गुणे कर्माणे सर्वस। जो मनुष्यों की आत्मा है उसमें सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है प्राकृतिक रूप से। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार में, देह के अहंकार में भरा हुआ मनुष्य ये समझता है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये आत्मा रिकॉर्ड में सब कुछ भरा हुआ है। जैसा जैसा जो पार्ट भरा हुआ है वैसा ही बज रहा है। अणु अणु में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अंतर सिर्फ ये है, वो जड़ाणु है, ये आत्मा चैतन्य है। चैतन्य आत्मा को परमधाम जाना पड़ता है, फिर वापस आके अपना पार्ट बजाती है, चक्र में आती है। अणु इसी सृष्टि में भ्रमित होते रहते हैं। और अष्टदेव में आने वाला है वो केवल बाबा तो एक है, और जो बाकी है वो क्या केवल स्त्री चोला वाले होता है या पुरुष चोला वाले भी? स्त्री और पुरुष चोले का सवाल नहीं है, आत्मिक स्थिति की बात है। जो आत्मिक स्थिति पहले धारण करे वो ही अष्टदेव में आवेंगे। इसका तो प्रक्रिया चल रहा है ना बाबा? प्रक्रिया चल रहा है। प्रक्रिया क्या? कंपटीशन हो रहा है। हाँ हाँ, पुरुषार्थ का कंपटीशन, दौड़ है, रेस हो रही है। ऐसे नहीं कि अष्टदेव बाबा की साथ में रहने वाले आते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, सबका अपना अपना पार्ट बजाने का चक्र अलग अलग है, एक का चक्र दूसरे से मिलता नहीं है। आसमान में 9 लाख सितारे हैं, वो चक्कर काट रहे हैं, क्या एक का चक्कर दूसरे से मिलता है? नहीं, कोई छोटा चक्कर काटते हैं, कोई बड़ा चक्कर काटते हैं। कोई तारा है साल में एक बार ही दिखाई पड़ता है, कोई तारे ऐसे हैं सुबह को भी दिखाई पड़ते हैं तो शाम को भी दिखाई पड़ते हैं, कोई तारे ऐसे हैं गुच्छे के साथ ही रहते हैं, वो जड़ सितारे हैं, ये आत्मा रूपी चैतन्य सितारे हैं। बाबा, नौ ग्रेड क्या होगा? हैं? नौ ग्रेड सोना क्या होगा? कम से कम सोने की सच्चाई, सच्चा सोना कितना है वो बताया कि 9 कैरेट है, वो कम से कम है, तो ज्यादा से ज्यादा 24 कैरेट। 9 से कम हो जाएगा तो सोना कहा ही नहीं जाएगा। बाबा, निवर जाति का अर्थ क्या है? निवर जाति में ही गिर गया विवाह का रसम की बेल होता है ना, बेल, बेल। नारियल और बेल होता है ना, बेल बेल हाँ, बेल बेल से शादी करता है, बेल से शादी करता है, शादी करता है उस संप्रदाय का लड़की और बेल से शादी होता है, लड़की की, लड़की का परंपरा, लड़का की नहीं, लड़का का नहीं, लड़की की शादी बेल से होती है। हाँ, इसका क्या मतलब है? तो त्रिमूर्ति का बच्चा कौन है? त्रिमूर्ति से जब नई सृष्टि बनती है, त्रिमूर्ति तो सूक्ष्म बतन वासी है, सूक्ष्म बतन का पार्ट बजा के खलास हो जाती है, बाकी जब नई सृष्टि बनती है तो उसमें कौन रहता है?
श्रीफल। बेल को क्या कहते हैं? श्रीफल कहते हैं, श्रेष्ठ फल। श्री किसको कहा जाता है? नहीं, श्रेष्ठ लक्ष्मी को श्री कहा जाता है। लक्ष्मी है फूल, उसका फल क्या है? नारायण। जब तक लक्ष्मी प्रत्यक्ष न हो तब तक नारायण की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। तो लक्ष्मी के साथ 16,000 कन्याएं माताएं बंधी हुई है, तो 16,000 की शादी किसके साथ होती है? किसके साथ होती है? है जो नारायण का पुरुषार्थी रूप है उसके साथ होती है ना। इसलिए परंपरा पड़ गई एक संप्रदाय में। और ये भी रिवाज है कि वो लड़की कभी विधवा नहीं होती है। हाँ, लक्ष्मी जैसा पार्ट बजाएगी तो विधवा क्यों होगी? अच्छा, उस संप्रदाय में जो बेल के साथ पार्ट बजाते वो शादी करते हैं वो कभी विधवा नहीं होती? जी नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बेल फूट जाएगा तो विधवा होती है। तो फिर अगर बेल नहीं फूटेगा तो नहीं फूटेगा तो बेल फूटेगा ही। दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है जो नष्ट नहीं होती है? दुनिया की हर चीज नष्ट होती है। कन्या को जो शादी किया है उसको जीवन तक वो बेल नहीं फूटेगा तो उसका विधवा होना नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसका विवाह। बेल है वो स्थूल चीज है या चैतन्य चीज है? चैतन्य भी जब फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो स्थूल कैसे नहीं टूटेगा? सदा कायम एक चीज कोई नहीं रहती संसार में। बाबा है? प्रभावित माने प्रजा है? प्रभावित माने प्रजा। प्रभावित माने प्रजा, किसी की सच्ची बात से अच्छी लगती है ना? है? किसी की सच्ची बात अच्छी लगती है ना? किसी की कोई बात अच्छी लगती है? ये भी प्रभावित होना है या नहीं? नहीं, अच्छी बात है, श्रीमत से मिलती जुलती बात है। अच्छा क्या होता है? सत्य अच्छा होता है या झूठ अच्छा होता है? तो किसी की सच्ची बात अच्छी लग गई तो हम सत्य भगवान से प्रभावित हुए या सत्य बोलने वाले से प्रभावित हुए? है सच बोलने वाला कभी झूठ भी तो बोल सकता है। हैं? तो सच बोलने वाला कभी झूठ भी तो बोल सकता है। कोई एक बात, लेकिन अभी तो हम सत्य से प्रभावित हुए ना, हमने सत्य की बात मानी ना, हमने सत्य की बात मानी ना, तो उसके मुख से जो सत्य निकला वो सत्य आया कहाँ से? वो सच से ही आया, भगवान से आया। सच वही तो है ना। हाँ, जो भगवान से आता है वो सत्य है, इसलिए वो अमित है, उसको प्रजा नहीं कहा जाएगा। भगवान प्रजा बनाने आता है या स्वाधीन राजा बनाने आता है? तो उसको प्रजा नहीं कहेंगे कि प्रजा बनेगा। सच्चाई से प्रभावित होना, किसी व्यक्ति की बोली हुई सच्ची बात से प्रभावित होना, उसको हम उसकी प्रजा नहीं कहेंगे। और क्या है कि माताजी ज्ञान में है और उनका बच्ची भी ज्ञान में है, तो बच्ची सेनेटर होने चाहती है, माता का भी इच्छा है, लेकिन पिता ज्ञान में नहीं है, उसको कैसे करके सिलेंडर जाएगा? माता जाके लिख के रखे दे आ जाके। वो 14 साल की कन्या है। 14 साल की है तो भी लिख के दे आ जाके, जिम्मेवारी उठाए माता से करने से हो जाएगा? हाँ, अभी तो इंडियन गवर्नमेंट में ये नियम बन गया है सुप्रीम कोर्ट से कि माँ बाप को दोनों को बच्चों के ऊपर बराबर हक है, और बच्ची है तो और ज्यादा हक है माँ को। बच्ची की परवरिश बाप ज्यादा अच्छी कर सकता है या माँ कर सकती है? तो माँ ज्यादा जिम्मेवार है, है? हाँ, हमारे नेपाल में 60% दिया है, है? इधर तो 60% दिया है। किसको? माँ को। हाँ, तो माँ को ज्यादा हिस्सा है ना बच्चों के ऊपर, ये हिम्मत की बात है। तो माता जी जाकर के सिलेंडर कर सकते? हाँ, करे जाके, नेपाली कागज पे लिख करके दे आए जाके। इंडिया में नेपाली कागज को मान्यता देंगे?
यहाँ के हिसाब से तो मान्यता दी जाएगी, वहाँ तो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर भी लिखवाया जाएगा, नोटरी कराई जाएगी माता से। विशेष कुमार के सरेंडर करने के लिए बाबा हैं, कन्या को तो बनाया ना नियम तो। हाँ, कन्या गाय बनती है या बैल बनती है? कन्या जोर जबरदस्ती करती है या बैल जोर जबरदस्ती करता है? हैं? बैलों को सरेंडर करके क्या आफत लेना है मोर के सर के ऊपर? है बाबा कहते हैं तुम अपन को सरेंडर समझो, क्या सरेंडर समझो तो भी जब रिजल्ट निकलेगा तो सरेंडर जैसा पद पा सकते हैं। हर बाबा एक मुरली में आता है, बाबा ने कहता है, बाबा ने कहता है मुरली में मैं मगरमच्छी को देश में आता हूँ। मैं मगरमच्छी को मगध देश में आता हूँ, जहाँ के लोग मगरमच्छ सदृश हैं। गंगा की सवारी काय के ऊपर दिखाई जाती है, मगरमच्छ है। गंगा का जो बहाव है वो ज्यादा कौन से प्रदेश में है? मगध प्रदेश में। हाँ, तो वहाँ मगरमच्छ ज्यादा पैदा होते हैं गंगा के अंदर। मगरमच्छ सब मछलियों को खा जाता है क्या? उस गंगा की सवारी जो है वो मगरमच्छ के ऊपर होती है। है मगरमच्छ के ऊपर सवारी भी खाते हैं गंगा की। हाँ, तो गंगा मगरमच्छ के ऊपर कंट्रोल तो करती होगी। हाँ, क्यों कंट्रोल करती नहीं है? हाँ, क्या देवी सिंह को कंट्रोल नहीं करती है? क्या देवी टाइगर को कंट्रोल नहीं करती है? बाघ अम्बरी देवी दिखाई गई कि नहीं? सिंह वाहिनी दिखाई गई कि नहीं? तो ऐसे ही गंगा को मगरमच्छ के ऊपर सवारी दिखाई गई। मगरमच्छ सब मछलियों को खा जाता है। अच्छा, यमुना की कोई सवारी नहीं है? यमुना की कोई सवारी नहीं? यमुना की भी कोई सवारी? सवारी तो सभी देवताओं की अपनी अपनी अलग अलग है। यमुना की सवारी होगी कोई? वो शास्त्रकारों से पूछो। मैंने देखा नहीं किसी भी। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा, हिंदू शास्त्र के अनुसार हम लोग कहीं कहीं सेवा करने जाते हैं ना, ऐसा प्रश्न ला देता है कि भगवान का अर्थ खास में क्या है? है? भगवान का अर्थ खास में क्या है? भाग्यवान। उन लोग गलत अर्थ लगाते हैं। गलत क्या अर्थ होता है? गलत दूसरा तरफ मोड़ देता है। वो दूसरे तरफ क्या होता है? जब बोलो तो खोल के बोलो, आत्मिक स्थिति में बोलो। यहाँ औरतें बैठी हैं, माताएं बैठी, भाई लोग बैठे हैं, कोई सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अरे सच्चाई है तो सच्चाई बोलो। ऐसा बात नहीं है कि भगवान का अर्थ खास करके हम लोग किसी को समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे, इसका खास अर्थ क्या है हमको शास्त्र अनुसार? हिंदी में और संस्कृत में जो भी शब्द होते हैं उन शब्दों के अर्थ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो भग का एक अर्थ बनता है भाग्यशाली, भग का एक अर्थ होता है स्त्री की योनि। भगवान माने बहुत भाग्यशाली, सबसे जास्ती भाग्यशाली दुनिया में, तो कौन हुआ? भगवान जिसमें प्रवेश करेगा उसको कुछ कमी रह जाएगी तो भाग्यशाली नहीं है। भागीरथ ने गंगा लाई, कौन लाता है गंगा? अरे गंगा को ज्ञान कौन सुनाएगा? भागीरथी ही सुनाएगा। भागीरथी ही गंगा को धारण करता है। जो भागीरथ है वही शंकर है। फिर भग का अर्थ स्त्री की योनि लगाया है, तो भगवान से ज्यादा स्त्री की योनियों के ऊपर कंट्रोल किसी और को होता है क्या? भगवान कितनी भगों को कंट्रोल करता है? अरे 16,108, तो इससे ज्यादा कोई है भाग्यशाली? भग और भाग्य ये दो शब्द हैं और वो भग शब्द से ही बनते हैं।
प्रकाश में नहीं है। बिल्कुल है, पवित्रता कहाँ से आती है? कन्याओं माताओं में प्योरिटी होती है या पुरुषों में प्योरिटी होती है? कन्याओं माताओं में प्योरिटी होती है, तो वहीं से प्रकाश आता है। हाँ, विजय माला है, विजय माला है, उस हाँ विजय माला के बारे में बोलने कहा क्या क्या कंट्रोल करने वाले है, कंट्रोल करने वाले राहु कहते हैं ना, विजय माला कंट्रोल करती है? नहीं नहीं, पवित्रता का धारण करने वाली, पवित्रता को धारण करने वाली। हाँ जी, पुरुष तो नहीं है। हाँ पुरुष नहीं है वो, विजय माला पुरुष है क्या? रुद्रमाला का मणका नहीं है, रुद्रमाला का मणका नहीं है, विजय माला का मणका है। और बाबा जो भाई है जो कुमार है घर में बैठने वाला जो कुमार है बाबा है, वो उसके परिवार में और ज्ञान में नहीं है, है? उसके परिवार में और ज्ञान में नहीं है। हाँ? और खाने के लिए गड़बड़ी हो जाती है तो क्या करे बाबा? क्यों अपने हाथ नहीं है क्या? क्या हुआ? कमाने को जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, तो बाहर जाना पड़ता है, तो अपना अपना अंगीठी या अपना खाने पीने का सामान जो अटैचिंग नहीं रख सकता। आजकल तो स्टोव आता है फोल्डिंग स्टोव, स्टोव के अंदर रख लो, उसमें गैस भरी हुई होती है, एक बार भरवा लोगे तो कई दिन खाना चलेगा। नहीं है, नहीं होगा क्या? खराब नहीं, पेट खराब नहीं करेगा, गैस में बनाया हुआ भोजन खराब पेट खराब कर देता है। कंपनी से हो जाएगी, गाय का दूध रखा हुआ, रखा हुआ, रखा हुआ, क्यों रखा हुआ? अरे रोज बनाओ, रोज खाओ, कुकर में तो 10 मिनट बन जाता है। बात में बनाना बहुत आता है, खाना ही नहीं बनाते बाबा, देखो है भाई लोग कभी खाना ही नहीं बनाया है, होटल में जाके खाएंगे जाके। वही कोई माताएं भी तो सर्विस करती हैं, तो वो कैसे करती हैं? देखो, एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष कैसे बनते हैं? तो जब ये पुरुष से स्त्री बनेंगे तो तब ये करेंगे, देवान के कारण समझते हैं हम कैसे खाना बनाएं। ये थोड़ा याद आता है कि आधे जन्म में हम भी स्त्री बने। बनाने वाला बना लेते हैं बाबा है? बनाने वाला तो बना लेते हैं है? कोई कोई होते हैं ऐसा नहीं बनाने वाला, लेकिन प्राय प्राय से बना लेते हैं। हाँ बनाना चाहिए ना, ब्राह्मण त्यौहार में तो अपने हाथ का बना हुआ भोजन सबसे अच्छा होता है, अनुभवी होता है, ज्यादा ज्यादा नशा चढ़ाएगा। और मिनी मधुबन में क्लास करना है या गीता पाठशाला में क्रास करना है? गीता पाठशाला दूर है, अच्छा तो मिनी मधुबन में करो, मिनी मधुबन में तो क्लास करना और अच्छा है। बाबा जब मिनी मधुबन जो स्वीकृत हो जाए उसी को कहा जाएगा ना? हाँ, जैसे यहाँ है। हाँ, तो भी मिनी मधुबन बोल सकते हैं? बाबा ने स्वीकृति नहीं दी क्या? है स्वीकृति हो गई, स्वीकृति हो गई तो मिनी मधुबन हो गया। अभी तो गीता पाठशाला भी स्वीकृति लेना पड़ता है ना बाबा? हाँ हाँ, पहले तो पूछते थे वो गीता पाठशाला है वो मिनी मधुबन है, मधुबन वो है जहाँ मधुसूदन हो, मधुबन वो है जहाँ बेहद की मिठास वृत्ति और बेहद की वैराग वृत्ति हो, जो बेहद की वैराग वृत्ति और मिठास वृत्ति गृहस्थियों में नहीं देखी जाती है मधुबन में देखी जाती है। ये भाषा नहीं समझ में आती क्या लिखा है, कौन जानता है हिंदी और नेपाली दोनों? माता उधर दे दे माता को, क्या है कसरी बसरी? शिव बाबा ले कसरी दक्ष प्रजापति छोरी सती देवी कसरी छोड़ दो, बाद में बता देना। है
गलत लिखा है। मतलब वो शिव और सती के विवाह के विषय में है। भक्ति मार्ग में देवकी वसुदेव को लोहे की जंजीरों से बांधा हुआ है, जेल में बंद किया हुआ है, लेकिन कृष्ण जन्म लेने के टाइम सब जंजीरें कट जाती हैं और जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। ज्ञान मार्ग में इसका क्या रहस्य है? जो भक्ति मार्ग में कृष्ण को जेल में दिखाया जाता है वो कहाँ की यादगार है? सतयुगी कृष्ण की यादगार है या संगमयुग में जो पार्ट बजाया है कृष्ण की आत्मा ने कोई शरीर में प्रवेश करके वो यादगार है? हाँ, तो कभी वो तनधारी जेल में जाता है या नहीं जाता है? जाता है, तो जेल से छूटता है तभी तो प्रत्यक्षता होती है। बांधने वालों ने तो बांध दिया कि ऐसा इनके ऊपर इल्जाम लगाया ये जिंदगी में कभी छूट नहीं सकते, या तो मौत की सजा होगी या तो 20 साल की सजा हो जाएगी, तो बांधने वाले ने बांध दिया, जेल में डालने वाले ने जेल में डाल दिया। फिर जब जन्म होता है प्रत्यक्षता होती है तो जेल में रहता है कृष्ण? जन्माष्टमी के दिन जेल में रहता है या जेल से बाहर आ जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही जेल से बाहर आ जाता है। जन्माष्टमी भी होती है उस दिन और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी होता है। जंजीरों से खुल जाना माने स्वतंत्र हो जाना। और बाबा प्रजापति की छुरी कैसी शादी करी? अरे तो कर रहे नहीं, ये बनने से देखो, ये बनने से देखो तो यो के दस प्रजापति रो शिव चंद्र नो मुझे रो तो क्या शिव विवाह करे कि चंद्र ले दस प्रजापति की छुरी कैसी शादी करी? कहने में आता है कि हम लक्ष्मी नारायण कहते हैं, लेकिन क्यों चित्रों में लक्ष्मी नारायण को, लक्ष्मी को नारायण की लेफ्ट साइड में दिखाते हैं? लक्ष्मी को नारायण के लेफ्ट साइड में दिखाना चाहिए या राइट साइड में दिखाना चाहिए? कहते हैं लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी को राइट साइड में होना चाहिए या लेफ्ट साइड में होना चाहिए? है बाबा, वो हाँ, नई सृष्टि की रचना में सहयोगी नहीं बनती है, मुखिया नहीं है। अगर मुखिया हो तो दायां हाथ, दोनों हाथों में मुख्य हाथ कौन सा होता है? दायां हाथ। वो सहयोगी नहीं है। ऐसे ही संसार में स्त्री को बामांगी मानते हैं या दायां अंग में बैठने वाली मानते हैं? वाम अंगी मानते हैं। सहयोगी का मतलब है वाम अंग। और दादा, हाँ, टाइम तो जाने लगा, टाइम होने लगा। चलो भाई, टाइम होने लगा। आपको टाइम का याद नहीं है? है, अभी टाइम नहीं हुआ है? अभी 10 मिनट बाकी है। अच्छा, खान पियन होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। खान पियन का इन सबको थोड़े चिंता है, चिंता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो क्लास ओवर होता है।
अब ब्राह्मण धामा भी तो खाते हैं, है? है जी।